रायगढ़ नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होने से सुघर रायगढ़ अभियान पर पलीता लग रहा है। इसके साथ ही प्रशासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। दरअसल रायगढ़ शहर के 48 वार्ड में स्वच्छता दीदी के नाम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन रिक्शा से किया जाता है। शहर में 49,000 से अधिक मकान हैं, लेकिन निगम प्रशासन ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए महज 35,000 घरों को ही चिन्हित किया है, जिससे कूड़ा हर कहीं फैल रहा है। इसे लेकर भाजपा ने सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि निगम प्रशासन कचरा सफाई और कलेक्शन की नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है। नगर निगम की जो भी अभी कचरा के लिए नीति बनी है, उसकी कार्य योजना ही उनकी अधूरी है। नगर निगम के पास ये आंकड़े ही पूरे ठोस नहीं है कि शहर में मकान कितने हैं। आज अगर आप बिजली कनेक्शन देखें या नल कनेक्शन देखें तो उसके आधार पर भी लगभग 50,000 मकान है रायगढ़ में, लेकिन नगर निगम कचरा उठाने के लिए जिन मकानों को चिन्हित किए उनकी संख्या लगभग 34-35 हज़ार के आसपास ही है। तो पहले तो नगर निगम को यही चिन्हित करना पड़ेगा कुल कितने मकान हैं। उसके अलावा जहाँ पर कचरा का कलेक्शन करने के लिए नगर निगम में काम भी चल रहा है, वो भी नियमित नहीं है। आप शहर की किसी भी रोज नई कॉलोनियाँ बन रही है, किसी मोहल्ले कॉलोनी में जाएंगे, खुले में कचरा पड़ा रहता है, उसके कारण मच्छर आ रहे हैं, मच्छर के कारण दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। तो नगर निगम को गंभीर होकर नए सिरे से इस पर काम करके नए सिरे से शहर की संरचना को समझते हुए कचरा कलेक्शन की एक नई। दरअसल नगर निगम के पास शहर में स्थित घरों का ही सही आंकड़ा नहीं है। कचरा कलेक्शन के लिए मकान के सर्वे ही नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि सभी घरों में कचरा कलेक्शन का रिक्शा नहीं पहुंच रहा है, जबकि शहर में बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन की संख्या कहीं अधिक है। वही मामले पर नगर निगम की महापौर जानकी काटजू का कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, कि जो नए बसे हैं वो बाहर से आके या वर्तमान में परिवार अलग होने के कारण वो लोग अलग से बसे हैं, तो इसमें उन लोगों के पास कोई आवेदन नहीं होने के कारण निगम में नहीं दिया गया है। तो हम इसमें गणना करते हुए उसका नल का और प्रॉपर्टी टैक्स का समेकित करके सभी का राजस्व में आय होगी और इसको गणना कराया जाएगा। नए तरीके से सर्वे कराने के लिए हम सभी पार्षदों ने, विपक्ष और पक्ष सभी ने मांग किया गया है, अपने अपने वार्ड के हिसाब से सभी का सर्वे कराते हुए। आपको बता दें कि जनसंख्या के आधार पर पूर्व में मकान चिन्हित किए गए थे, उन मकानों से टैक्स वसूल किया जा रहा है, कुछ घर छूट गए हैं उन्हें भी जोड़ने के लिए कहा गया है, लिहाजा अभी कचरे के हाल आपके सामने हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुनीराम रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।